नमस्कार आदाब दोस्तों। दोस्तों वक्त हो चला है तमाम देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें जानने का, डालते हैं सुर्खियों पर नजर। दोस्तों असम में सीएम हेमंता ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानी का केस दर्ज कर दिया है, भ्रष्टाचार के लगाए थे आरोप। दोस्तों भाजपा के अगले लक्ष्य से छूट सकते हैं उद्धव ठाकरे के पसीने। दोस्तों रेलवे ने शुरू की बड़ी सुविधा, नाइट में सफर करने वालों की हो गई बल्ले बल्ले। दोस्तों योगी के जनता दरबार में बुजुर्ग की फरियाद, पूर्व एमएलए के भाई ने कब्जा ली जमीन, सीएम ने दिए जांच के आदेश। दोस्तों मुर्म के साथ अकाली दल सुखबीर बादल का ऐलान, कहा सिखों पर अत्याचार के कारण कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे। दोस्तों तेलंगाना की राज्य सरकार किसान कल्याण में बुरी तरह रही विफल, त्रिपुरा पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव। दोस्तों गौतम बुद्ध नगर में 30 अगस्त तक बढ़ाई गई धारा 144, लोगों के साथ इकट्ठा होने पर लगी पाबंदियां। दोस्तों सिंधी सरकार की अग्निपथ की तारीख तय कर दी गई है और महाराष्ट्र में 4 जुलाई को होगा फ्लो टेस्ट। दोस्तों बात करेंगे इन सभी खबरों की एक एक कर विस्तार से, लेकिन दोस्तों खबर जानने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबा लें ताकि तमाम देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जहां दोस्तों पहली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें असम सीएम हेमंता ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर दिया है, भ्रष्टाचार के लगाए थे आरोप। दोस्तों असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर दिया है। केस कामरूप के सीजीएम कोर्ट में दर्ज कराया गया। दरअसल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंता बिस्वा सरमा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। मनीष सिसोदिया ने 4 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसमें इन्होंने पीपीई किट के ठेके में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि कोरोना काल में हेमंता बिस्वा सरमा की पत्नी की कंपनी को गलत तरीके से पीपीई किट के ठोके लेते थे। दोस्तों मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि हेमंत बिस्वा सरमा ने अपनी पत्नी की कंपनी को ठेका दिया, उन्होंने पीपीई किट्स के लिए ज्यादा रुपए का भुगतान कराया। उन्होंने दावा किया था कि उनके पास इसके सबूत भी हैं। दोस्तों मनीष सिसोदिया ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि असम के वर्तमान सीएम हेमंत बिस्वा सरमा जो 2020 में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे, तब उन्होंने कोविड की आड़ में आकर और जमकर भ्रष्टाचार किया। उस समय उन्होंने अपने स्वास्थ्य विभाग से पीपी किट्स खरीदने के ठेके जारी किए। दोस्तों सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत बिस्वा सरमा पर बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि जब कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री या मंत्री अपनी पत्नी की कंपनी को या अपने बेटे के पार्टनर्स की कंपनी को ठेके देते तो ये इस देश के कानून के तहत भ्रष्टाचार होता है। उन्होंने सवाल किया था कि बीजेपी बताए ये उसकी नज़र में भ्रष्टाचार है या नहीं, उन पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, अपने मुख्यमंत्री को जेल में डालेंगे या नहीं डालेंगे। दोस्तों उधर हेमंत बिस्वा सरमा और उनकी पत्नी ने इन आरोपों को इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, हेमंत बिस्वा सरमा की पत्नी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ 100 करोड़ रुपये की मानहानि का केस दर्ज कराया था। इसके बाद गुवाहाटी की सिविल कोर्ट सिसोदिया को नोटिस भेजने के लिए तैयार हो गई थी। कोर्ट ने आदेश जारी कर सिसोदिया को मानहानि केस में 25 जुलाई तक जवाब देने के लिए कहा था। दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें भाजपा के अगले लक्ष्य से छूट सकते हैं उद्धव ठाकरे के पसीने। जहां दोस्तों आपको बता दें महाराष्ट्र में जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी की सरकार सत्ता से बाहर हुई, इसके बाद शिवसेना के अगले सामने अगली सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के अस्तित्व को बचाने के साथ बीएमसी चुनाव में जीत दर्ज करने की है। दोस्तों शिवसेना के बागी विधायकों की चुनौती से जूझ रही शिवसेना के लिए बीएमसी चुनाव काफी अहम है। मुंबई में लंबे समय से शिवसेना बीएमसी चुनाव में जीत दर्ज करती आई है। तकरीबन 3 दशक के शिवसेना एक बीएमसी पर कब्जा है। बता दें कि बीएमसी चुनाव इस साल सितंबर अक्टूबर माह में होना है। आपको बता दें महाराष्ट्र की राजनीति में बीएमसी की अहमियत सबसे अधिक है। बीएमसी पर जीत दर्ज करने वाला प्रदेश की सत्ता का सबसे बड़ा दावेदार माना जाता है और ये वही वजह है कि भाजपा प्रदेश की सत्ता में परिवर्तन के बाद बीएमसी पर नजर गड़ाए बैठी है। दोस्तों महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा ने ट्वीट करके साफ कर दिया था कि उसका अगला लक्ष्य बीएमसी चुनाव है। भाजपा ने ट्वीट करके लिखा कि ये तो झांकी है, मुंबई महानगर पालिका अभी बाकी है। भाजपा प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही शिवसेना में बड़ी फूट डालने में सफल हुई और अब उसका अगला लक्ष्य बीएमसी पर कब्जा करना है। ठाणे और डोंबिवली में शिवसेना का वर्चस्व है। पिछले चुनाव में एनसीपी ने नवी मुंबई में जीत दर्ज की थी, ऐसे में शिवसेना की विकल्प के तौर पर भाजपा लोगों के लिए बीच जाएगी। दोस्तों बीएमसी देश की सबसे ज्यादा बजट वाली नगर पालिका है। बीएमसी का कुल बजट 46,000 करोड़ रुपए का है। बीएमसी शिक्षा का बजट अगल से पेश करती है। बीएमसी का बजट किसी छोटे राज्य के बजट के बराबर होता है।
दोस्तों इस साल बीएमसी के बजट में 17% से अधिक की बढ़ोतरी हुई। ऐसे में कुछ महीने बाद होने वाले बीएमसी चुनाव में जीत दर्ज करके बीएमसी को पूरी तरह से अपने कब्जे में करने की कोशिश करेगी। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया, उसके पीछे बीएमसी और 2024 के लोकसभा चुनाव को काफी अहम माना जा रहा है। दोस्तों पार्टी एकनाथ शिंदे के जरिए पहले बीएमसी में जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी। शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की वजह से अब शिंदे शिवसेना के गुट के लोगों को टिकट देंगे और इस पर भाजपा का असर देखने को साफ तौर पर मिलेगा। दोस्तों उद्धव ठाकरे उनके पार्षद भी शिंदे का साथ आ सकते हैं। भाजपा का मुंबई में अपना कैंडर है और ऐसे में शिंदे के साथ आने से उसे अपने चुनाव में और भी मदद मिलेगी। दोस्तों बीएमसी चुनाव को उद्धव ठाकरे को शिवसेना को खत्म करने की भाजपा की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो सबसे पहले प्रदेश में शिवसेना का ही उदय हुआ था। शिवसेना का गठन हुआ था तो उस वक्त ना जनसंघ था और ना ही भाजपा। प्रमोद महाजन जब पहली बार बाल ठाकरे से मिले तो भाजपा और शिवसेना ने एक साथ मिलकर समान विचारधारा के तहत चुनाव लड़ा। समय के साथ भाजपा ने महाराष्ट्र में अपनी जमीन को मजबूत करना शुरू कर दिया। समय के साथ भाजपा ने महाराष्ट्र में अपनी जमीन को मजबूत करना शुरू किया और अब 2019 तक भाजपा प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी और 106 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं शिवसेना सिर्फ 56 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी है। दोस्तों बीएमसी के चुनाव में शिवसेना का वर्चस्व पहली बार खतरे में नजर आ रहा है। एकनाथ शिंदे ने पार्टी के भीतर बगावत करके पार्टी में दो फाड़ कर दिए हैं। अगर शिंदे गुट भाजपा के साथ बीएमसी चुनाव के गठबंधन करने का फैसला लेता है तो उद्धव ठाकरे के लिए आगे की राह आसान नहीं होगी। ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए पहला बड़ा विकल्प ये है कि एकनाथ शिंदे गुट के साथ फिर से समझौता करें और भाजपा को बीएमसी चुनाव जीत हासिल करने से रोका जा सके। बता दें कि पिछले बीएमसी चुनाव में शिवसेना ने 84 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बाकी भाजपा ने 82 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसके बाद मनसे ने 6 पार्षदों और कुछ निर्दलीय पार्षद शिवसेना में शामिल हो गई थी। दोस्तों राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि एकनाथ शिंदे मुंबई के ठाणे से आते हैं। ऐसे में जब उद्धव ठाकरे सत्ता से बाहर आ चुके हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास मौका है कि वे यहां वापसी कर सकती है। भाजपा ने शिंदे को मुख्यमंत्री के तौर यानी कुर्सी देकर साफ कर दिया कि बीएमसी चुनाव में लड़ाई अब सीधे तौर पर भाजपा और उद्धव ठाकरे के बीच होगी। दोस्तों कई शिवसेना के पार्षद बाकी गुट के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और कुछ पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जहाँ दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें रेलवे ने शुरू की बड़ी सुविधा, नाइट में सफर करने वालों को हो गई बल्ले बल्ले। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें अगर आप भी अक्सर ट्रेन से रातों में सफर करते हैं तो इस खबर को आप जरूर सुने। दोस्तों रेलवे की तरफ से यात्री सुविधा में लगातार सुधार किए जा रहे हैं। इसके तहत देश के तमाम स्टेशन पर वाईफाई सर्कुलेटर समेत तमाम सुविधाएं भी शुरू कर दी गई हैं। यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखकर रेलवे बोर्ड अपनी सर्विस में लगातार सुधार कर रहा है। दोस्तों अब रात में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बेहतरीन सर्विस शुरू कर दी है। इस सुविधा के शुरू होने के बाद आप ट्रेन में चैन की नींद सो सकेंगे। नींद के दौरान आपको जिस स्टेशन पर उतरना है उसके छूटने की चिंता नहीं रहेगी। जहां रेलवे की तरफ से शुरू की गई सुविधा आपको स्टेशन आने से 20 मिनट पहले जगा देगा। दोस्तों इससे आपको स्टेशन नहीं छूटेगा और आप अच्छी तरह नींद ले पाएंगे। जहां दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें योगी के जनता दरबार में बुजुर्ग की फरियाद, पूर्व एमएलए के भाई ने कब्जा ली जमीन, सीएम ने दिए जांच के आदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित हिंदू सेवा आश्रम में जनता दरबार लगाकर लोगों की फरियाद सुनी। सीएम योगी के जनता दरबार में बड़ी तादाद में अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे। इनमें से अधिकतर मामले जमीन विवाद और बीमारी के इलाज से संबंधित थे। दोस्तों सीएम योगी के जनता दरबार में एक बार फरियादी ऐसा पहुंचा था जिसने सत्ताधारी पार्टी यानी भाजपा बीजेपी के पूर्व विधायक के भाई पर अपनी जमीन कब्जा करने का लेने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि सैकड़ों लोग पुलिस और जमीन विवाद से संबंधित अपनी समस्या लेकर सीएम के दरबार में पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 400 फरियादों की समस्याएं सुनी और मदद का भरोसा दिलाया। दोस्तों फरियादों की भीड़ में गोरखनाथ इलाके में हड़हड़ाव फाटक बने रहने और विश्व बंधु गुप्ता भी थे। दोस्तों विश्व बंधु गुप्ता ने सीएम को अपनी समस्या बताते हुए आरोप लगाया कि संत कबीर नगर जिले की बेहदलकोट सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक राकेश सिंह बघेल के भाई अजय सिंह ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। विश्व बंधु गुप्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया कि अजय सिंह ने स्कूल खोलने के लिए उनकी जमीन ली थी, जिसका एग्रीमेंट 29 फरवरी 2012 को समाप्त हो गया था। एग्रीमेंट में अवधि समाप्त होने के बाद अजय सिंह ने फर्जी कागजात के आधार पर नया एग्रीमेंट बनाकर उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। दोस्तों बुजुर्ग फरियादी ने आरोप लगाया कि वे ना तो किराया दे रहा है और ना ही उसे खाली कर रहे हैं।
थाने से लेकर हर दर पे जाकर, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं की। विश्वबंधु गुप्ता को मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि कोई भी हो वो बचेगा नहीं। सीएम ने मौके से मौजूद डीएम से मामले की जांच कराने के लिए आदेश दे दिए हैं। दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें मुर्मू के साथ अकाली दल सुखबीर बादल का ऐलान, कहा सिखों पर अत्याचारों के कारण कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे। दोस्तों शिरोमणि अकाली दल राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का फैसला किया है। पार्टी का मानना है कि वे अल्पसंख्यकों घोषित के पिछड़े वर्गों के साथ साथ महिलाओं के प्रतीक हैं और देश में गरीब आदिवासी वर्गों के प्रतीक के रूप में उभर रही हैं। ये वजह की पार्टी राष्ट्रपति चुनाव में उनका समर्थन करेगी। सिख समुदाय पर अत्याचारों के कारण हम कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे। जहां दोस्तों अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पार्टी के नेता बलविंदर सिंह भुड़चड़ और प्रेम सिंह चम्मू मांजरा और रणजीत सिंह अगटवाला के साथ यूटी गेस्ट हाउस में द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें अकाली दल के समर्थन की पेशकश कर डाली है। जहां दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें तेलंगाना की राज्य सरकार किसान कल्याण में बुरी तरह रही विफल। त्रिपुरापुर मुख्यमंत्री विप्लव देव, दोस्तों आज त्रिपुरापुर मुख्यमंत्री विप्लव देव ने आदिलाबाद में किसान मोर्चा और ओबीसी मोर्चा की संगठनात्मक बैठक में भाग लिया। देव ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लाए गए विभिन्न किसान समर्थक पहलों पर जोर दिया है। दोस्तों तेलंगाना की राज्य सरकार किसान कल्याण में बुरी तरह विफल रही है और फसलों के लिए MSP प्रदान नहीं किया है। देव ने बताया कि हमारे ऐसी मोर्चा कार्यकर्ता श्री भिक्की संतोष के घर जेनब गांव जेनब मंडल तेलंगाना में गए, चाय पर हमारी साथ चर्चा हुई है। आपकी करें सभी खबरों को जानकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर।